उत्तराखंड के देहरादून में हुए बार डांसर मर्डर केस के बाद अब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल आपको बता दें, ये पूरा मामला कुछ यूं था। उत्तराखंड के देहरादून में कर्नल रामेंदु उपाध्याय ने शादीशुदा होते हुए भी एक बार डांसर श्रेया से अफेयर किया और फिर उसे मार भी डाला। जी हाँ, दरअसल बीती रविवार को सौड़ा सरोली के निकट सिरवालगढ़ देहरादून में एक युवती का शव मिला था। उसके सिर पर किसी भारी वस्तु से की गई चोटें और शरीर पर काफी खरोंच के निशान थे। छानबीन के बाद हत्या के आरोप में रामेंदु उपाध्याय, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल था सेना में, उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने बताया कि श्रेया शादी करने का दबाव बना रही थी और वो पहले से शादीशुदा था और एक बच्चे का पिता भी था, तो वो शादी नहीं करना चाहता था और जिसको लेकर उसने श्रेया की हत्या कर दी। अब आज कर्नल की बार डांसर श्रेया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि श्रेया की हत्या आरोपी ने बड़े ही बेरहमी से की थी। कर्नल ने श्रेया के सिर और नाक पर हथौड़े से लगभग 10 वार किए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। उपाध्याय ने 2 बार श्रेया की नाक, 4 सिर के ऊपर, 2 सिर के बीच और 1 माथे और 1 सिर के पिछले हिस्से में किया। सिर के पीछे सबसे बड़ा 8 इंच का घाव मिला है। एसओ रायपुर कुंदन राम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने की पुष्टि की है। उधर दूसरी तरफ आज श्रेया के परिजन नेपाल से देहरादून पहुंच सकते हैं। इसके बाद ही श्रेया का अंतिम संस्कार किया जाएगा। गौरतलब है कि रामेंदु इस युवती के संपर्क में 2020 में सिलीगुड़ी पोस्टिंग के दौरान आया था, जहां उसकी पहचान श्रेया उर्फ सुमित्रा चीसापानी निवासी जिला तनेहू नेपाल से हुई, जो कि सिलीगुड़ी बंगाल में एक बार डांसर थी। दोनों के बीच दोस्ती के बाद संबंध बने। दोनों सिलीगुड़ी में पति पत्नी की तरह रहते थे। रामेंदु का तबादला देहरादून में हुआ तो श्रेया को भी अपने साथ ले आया। ये जानकारी पत्नी को हुई तो आरोपी ने श्रेया को कुछ दिन तक होटल में रखने के बाद वापस सिलीगुड़ी भेज दिया। थोड़े ही दिन में उसने श्रेया को फिर दोबारा देहरादून बुला लिया और यहाँ फिर कुछ दिन होटल में रखने के बाद क्लेमेंट टाउन में एक फ्लैट किराए पर दिला दिया, जिसकी भनक कर्नल की पत्नी को लग गई और कर्नल की पत्नी ने सारा राज खोल दिया और इसको लेकर घर में लगातार कलह होने लगा। दूसरी तरफ बार डांसर श्रेया शादी करने का दबाव बनाने लगी, जिसके बाद 9 सितंबर को आरोपित श्रेया को राजपुर रोड स्थित एक क्लब पर लेकर गया, जहां दोनों ने शराब पी। इसके बाद दोनों सौड़ा सरोली की तरफ गई, जहां आरोपित ने श्रेया को एक दर्दनाक मौत दे दी।